Assalamualaikum everyone, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी राइटिश निक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि सबको बुरी लगती है, ब्लैक नेक। जिसमें ब्लैक नेक और ब्लैक की स्टोन देरी होती है नेक की, ये चीज और वो बहुत ही इरिटेट करती है। अक्सर हमारा जो कॉन्फिडेंस भी है वो उस वजह से लो होता है और बहुत मस्त गंदी लगती है। और ये क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कोई ज्वेलरी जो है हम आर्टिफिशियल पहन लेते हैं, चेन्स वगैरह पहनते हैं, और अक्सर जो है वो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और वो सफाई अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, और ऐसे करते करते वो फिर एक बहुत ही ब्लैक सी लाइन जो है ना वो पड़ जाती है। तो मैंने जो आज आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, इसके रिजल्ट्स मैंने शेयर किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी में, और वहां पे सब लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है वो जल्दी से रिकॉर्ड करें। बट आज मैं इसका जो मैंने लगाने वाला पार्ट है ना वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हुई हूँ, और क्योंकि वर्कर मेरी जो हेल्पर है वो घर में आती है, वो जल्दी फारिग हो गई थी, और जब मैंने उसकी नेक देखी ना तो मुझे बेहतरीन अपना ना वो लगा कि इसके ऊपर जो है ना मैं ये करके दिखाती हूँ। अक्सर मैं अपना करती होती हूँ ना तो फिर वो सब लोग बोलते हैं कि आप तो पहले ऐसी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, तो आप किसी के करके दिखाएं। तो मैंने जनाब उसको पकड़ लिया, सही है, उसके मैं कर रही थी ये वाली चीज रेमेडी, ये वाली उसके अप्लाई करके वीडियो बना रही थी। मैं अकेली थी घर में, मुझे माइंड में नहीं रहा कि मैं रिंग लाइट स्टैंड जो है वो लगा लूं। ऊपर वाले पोर्शन में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, नीचे वाले पोर्शन में मैं एक दुखी दास्तान पहले सुना रही हूँ ना, नीचे वाले पोर्शन में जो है वो मैंने उसकी बेटी जो है 6 साल की उसको मैंने पकड़ा दिया कैमरा कि आपने इधर मोबाइल पकड़ के रखना है, बस मैंने ऐसे ऐसे लगाना है, ठीक है। मेरा तो हाथ आना था ना, मुझे नहीं पता चल रहा था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके एंगल सेट करके बस बता दिया आपने इधर खड़े होना है। क्या हुआ, जब मैंने रिकॉर्ड करके सारी रेमेडी बिल्कुल सेट हो गई, बाद में देखा वो बेचारी से कैमरा ऐसे हो गया। टेढ़ी वीडियो है, और उस टेढ़ी वीडियो में मुझे एंगल भी सेट नहीं करना आ रहा कि मैं उसका, ऑब्वियसली हम लोगों ने उसका फेस शेयर नहीं करना है ना, क्योंकि हर किसी को इजाजत नहीं होती है फेस की, तो बस नेक के, तो मैंने उस वजह से उसका लिया। तो खैर वो मैं आप लोगों को थोड़े से क्लिप्स जो है वो दिखा दूंगी, उसके सारी वीडियो किसी तरह भी मैं एडजस्ट करके, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को आज बना के और साथ अपना यहाँ पे अप्लाई करके बता दूंगी ताकि आप लोगों को तरीका पता चल जाए कैसे लगाना है। बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, वो रिजल्ट वाला क्लिप ना जब सारा कुछ फारिग हो गया तो मैंने बनाया था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं कि जो रिजल्ट है ना, जो सही वाले रिजल्ट है, वो ऑब्वियसली जब आप लोग ये ट्राई करेंगे ना आप लोगों को तब पता चलेगा कि ये रिजल्ट क्या। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए बाउल लेने हैं, ठीक है, और ओहो मैं बनाना जो है ना केले का छिलका वो भी आपको चाहिए, वो मैं नीचे छोड़ आई हूँ, खैर कोई बात नहीं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक बाउल के अंदर आप लोगों ने डालना है गरम पानी, मैं गरम पानी लेकर आई थी ये वाला, ठीक है, ये गरम पानी लिया। गरम पानी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून विनीगर डाल देना है, ठीक है, विनीगर जो है ना सफेद सिरका ये आप लोगों ने डाल देना है। चले जी 1 टेबलस्पून डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर आप, ये पानी गर्म होगा ना आप लोगों ने इसके अंदर ये कपड़ा कोई भी डिप करके रख देना है, गर्म अच्छे से हो जाए, जब हम हीट देंगे ना इसको रख के तो वो अच्छे से हमारे जो पोर्स है ना, बेसिकली हमने पोर्स जो है ना डेड स्किन सेल्स होते हैं ये वाले बेसिकली, तो उसको हम लोगों ने सॉफ्ट करना है ताकि हम जो स्क्रब करेंगे और हमारा लाइटन हो जाएगा। और जो स्क्रब के लिए चीजें सबसे पहले हम लोगों ने लेना है इसके अंदर राइस फ्लोर, ना अक्सर लोगों को समझ नहीं आती है, ये देखिए 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर लेना है, ठीक है। राइस फ्लोर अगर किसी के पास नहीं है, चावलों का आटा अगर नहीं है, तो आप लोग चावल लें, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, तो आप लोगों का ये चावलों का आटा जो है वो बन जाएगा, ठीक है, पीस लेंगे आप। तो ये हमने 1 टेबलस्पून ले लिया। 1/2 टेबलस्पून हम लोगों ने लेना है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं मीठा सोडा, ये डाल लिया हम लोगों ने इसके अंदर। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, ठीक है, ये देखिए 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, ओके, रोज वाटर, ठीक है, ये मैं ना गुलाब का एक कप में डाल रही थी, 1 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर रोज वाटर डाल देना है, ठीक है जी। और ये हमारा ना कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखें, ये देखें, ये चीज बन जाएगी, ये स्क्रबिंग के लिए हमारा रेडी है। इसको आपने जरा 1 मिनट के लिए रख देना है, हम लोग अगली चीज भी रेडी कर लें। फिर में आप लोगों ने क्या बनाना है, कोकोनट मिल्क, ये मैं कोकोनट मिल्क जो है हमारे डिजर्ट बनने लगा था तो बहुत अच्छी खुशबू है।
अच्छा बाजार से आप लोगों को मिल सकता है कोकोनट मिल्क, अगर नहीं मिल रहा आपको बाजार से कोकोनट मिल्क उपरा ले लें। कोकोनट पाउडर आप लोगों ने ये लेना है, एक टेबलस्पून पाउडर लेना है और 3 टेबलस्पून आप लोगों ने लेना है दूध, ठीक है। उसके अंदर ये डाल के, 1 टेबलस्पून डाल के 2 घंटे पहले आप लोगों ने कप में डाल के रख देना, ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना तो आपको आपका जो है वो कोकोनट मिल्क रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना अच्छा व्हाइटनिंग एजेंट है, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और ब्राइटनिंग लुक देता है, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क, इसके अंदर हम लोगों ने डालना है विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। अच्छा जी, ये डाल दिया हम लोगों ने विटामिन ई का कैप्सूल। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देना है हम लोगों ने ड्राई मिल्क पाउडर और ये हम लोगों ने मिक्स करके ये हमारी लुक आ जाएगी पेस्ट की। इसको पेस्ट फॉर्म में बनाना है, ये देखिए इसके रिजल्ट्स ना आप लोग खुद देखेंगे कैसे आते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये पेस्ट बनाना है। अब हमारी जो तीनों चीजें ना तैयार हो गई, आप लोगों ने सिंपल जो है ना पहले गर्दन के ऊपर कपड़ा, गरम कपड़ा होगा, गरम होगा, आपने गर्दन के ऊपर रख देना है इसको 5 मिनट के लिए। इसको ऐसे ही थोड़ा सा इसको हीट अप होने देना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने लगा देना, इस तरह करके। इसके बाद 5 मिनट लगाने के बाद आप लोगों ने केले का छिलका लेना है, वो ऐसे ऐसे मसाज करना है वो। इसके बाद आप लोगों ने ये जो राइस स्क्रब बनाया है ना, ये वाला हमारा, ये आप लोगों ने लेना है इसके ऊपर और इसको अच्छे से आप लोगों ने स्क्रब करना है अपने नेक के ऊपर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगी, 5 मिनट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना आपने करना है, ताकि अगर इस तरफ के जो सेल्स हैं, इस तरफ को अगर स्किन उतर रही है तो इस तरफ को भी वो उतरना जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जब क्लॉकवाइज 10 साइकिल क्लॉकवाइज 10 साइकिल एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ना, तो आपका बड़ा अच्छा स्क्रब जो है अपनी आपकी गर्दन पे हो जाएगा। हमारे 5 मिनट हो गए, हमने इसको साफ कर देना है, मैं आपको डेमो दे रही हूँ छोटा सा क्विक सा। इसके बाद हम लोगों ने जो स्क्रब ये वाला पेस्ट बनाया है ना दूध वाला, ये आप लोगों ने लगा के इसको एब्जॉर्ब करना है। पहले इसको गीले कपड़े से साफ कर लेना है स्क्रब को, और देन ये वाला जो मास्क है इसको अच्छे से अब्सॉर्ब करना है आपने स्किन के अंदर। एब्जॉर्ब हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद, आप इसको अगेन जो है वो सिंपल वॉश कर दें। बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर जो आप लोगों ने खींच के रखनी है, बिफोर देखिएगा फिर आफ्टर देखिएगा कितना डिफरेंस आता है। और अगर वीक में जो है आप 3 बार ये करेंगे ना, तो 2 वीक के अंदर अंदर आपकी जितनी पुरानी है जैसी भी डार्क पिगमेंटेशन होगी ना, वो आपको जमीन आसमान का ना फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने ट्राई करने के बाद मुझे अपनी फीडबैक देना नहीं भूलना है। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर की सेंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट्स मिले और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।